कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भीषण गर्मी में लगातार दूसरे दिन रायबरेली में अपने भाई राहुल गांधी के लिए वोट मांगने निकली तो पूरे फॉर्म में नजर आई। उन्होंने मीडिया को जवाब देते हुए कहा कि भाजपा कहती है मैं परिवार के शहीदों के नाम पर वोट मांग रही हूं। मैं उनसे पूछती हूं कि मैं अपने परिवार पर क्यों ना गर्व करूं, क्यों मैं चुप रहूं। इन्होंने इस दौरान अंबानी अडानी का नाम न लिए जाने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि लगातार उनका नाम लिया जा रहा है, राहुल जी रोज उनका नाम ले रहे हैं। कांग्रेसी मैनिफेस्टो को लेकर भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए प्रियंका ने कहा कि मोदी को उसे पढ़ना चाहिए। उधर अमेठी में स्मृति ईरानी के उस वक्तव्य का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस मुद्दों पर नहीं लड़ रही है। प्रियंका ने कहा कि ये तो उल्टी बात है, हम तो महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर ही लड़ रहे हैं। पीएम योगी के उस बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस आई तो राम मंदिर का फैसला पलट देगी, इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बहुत बार कहा है कि जो भी निर्णय आएगा उसका पालन करेंगे और कर रहे हैं। केसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिए जाने को लेकर प्रियंका ने कहा कि भाजपा के लिए महिला सम्मान चुनावी जुमला है, महिला पहलवान जब मेडल लेकर आती हैं तो मोदी जी उनके साथ चाय पीते हैं, अब जब महिलाएं धरना दे रही हैं तो वो अपनी पार्टी का प्रत्याशी बना रहे हैं। रायबरेली से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। प्रियंका जी आप जब वो महिला ओलंपिक के मेडल लेके आई तब तो मोदी जी ने उनको घर बुला के उनके साथ चाय पी और उनके साथ खिंचवा दी और ये कह भी दी पूरी मीडिया ने, आप सब ने कहा कि मोदी जी है तो मुमकिन है। जब उसी महिला बाहर बैठ के आंदोलन किया सड़क पे बैठ के, जब उसी महिला ने कहा कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है तो किसी ने उसको पूछा तक नहीं। वो रो रही थी जब मेरे से मिली, उसने मुझे कहा कि मुझे मेडल मिला। मैंने सोचा था कि अगर मैं बैठूंगी तो कम से कम मेरी सुनवाई होगी, कोई तो सुनेगा, लेकिन सरकार में किसी ने नहीं सुना और आज ये परिस्थिति है कि उस उनके बेटे को टिकट मिल गया है चुनाव में। तो ये स्पष्ट हो गया है कि महिलाओं के अत्याचार की बात, महिलाओं के आरक्षण की बात, ये सब चीज़ें जो जब ये लोग कहते हैं कि हम खड़े महिलाओं के लिए या हम आरक्षण दिलवा रहे हैं तो ये सब चुनावी उनके लिए चुनावी। आप जब परिवार के शहादत की बात करते हैं तो बीजेपी कहती है कि आप शहादत के नाम पर वोट मांग रही परिवार के, बीजेपी कहती है कि आप परिवार की शहादत के नाम पर वोट मांग रही लोगों के, आपके परिवार में जिस तरीके से जो शहादत हुई। बीजेपी चाहती है कि मैं अपने परिवार के बारे में चुप हूँ या शर्मिंदा हो जाऊँ। क्यों क्यों शर्मिंदा होंगी मैं अपने परिवार के बारे में? गर्व है मुझे अपने परिवार पे, गर्व है मुझे इंदिरा जी पे जिन्होंने इस देश के लिए इतना कुछ किया, जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया। गर्व है मुझे इंदिरा जी पर कि उनकी शहादत हुई इस देश के लिए। राजीव जी के ऊपर गर्व है मुझे कि उनकी शहादत हुई। क्यों नहीं बोलूंगी मैं? क्या चुप रहूं और इनको गालियां देते रहूं, देने दूं? और ये सुबह से शाम तक सिर्फ ये कहते हैं कि इंदिरा जी जैसे शहीद, राजीव जी जैसे शहीद देशद्रोही थे। मैं चुप रहूं? कैसे चुप रहूंगी? मेरी दादी थी, मेरे पिताजी थे, क्यों चुप रहूं? प्रियंका जी 103 साल पहले नेहरू जी यहाँ आए थे, सैकड़ों किसानों की शहादत हुई थी, 103 साल पुराना रिश्ता हो गया है, आज आप कैसे देखते हैं 100 साल के रिश्ते? देखिए मैं बार बार ये अपने भाषणों में भी कहती हूँ कि बाहर से ऐसे लगता है, और आप लोग खूब इस बात को कहते हैं कि ये परिवारवाद है और गांधी परिवार है तो यहाँ पे कोई भी वोट दे देगा गांधी परिवार के नाम, आपने अभी कहा शहादत के नाम। मेरा तो इसका एकदम विपरीत मेरी सोच है। यहाँ पे जब आंदोलन हुआ, जब यहाँ के किसान 103 साल पहले खड़े हो गए एक इतने बड़े और सक्षम और सत्तावान साम्राज्य के खिलाफ,